हेलो मीठीज फैमिली मेम्बर, कैसे हैं आप सब। तो अभी फ़िलहाल मैं हूँ प्रयागराज के चौक नहीं रोशन बाग में हूँ अभी मैं। और मैं सबसे पहले रोशन बाग गई थी क्योंकि वहाँ पे ईयर रिंग्स और दुपट्टे वगैरह और सूट के पीस वगैरह बहुत सस्ते मिलते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ गई थी और ईयर रिंग्स लेके आई हूँ। वो जब मैं अपने ससुराल चली जाऊँगी तब आपको दिखाऊँगी ईयर रिंग्स मैं कौन कौन सी लेके आई हूँ। और यहाँ पर दुपट्टे की दुकान थी तो यहाँ पर 100 के 2 दुपट्टे मिल रहे थे और दोनों ही बहुत अच्छे हैं, और मैंने 2 ये ले लिए हैं, येलो एंड वाइट दोनों लिया मैंने। तो अब हम लोग जाएंगे इसके बाद चौक बाज़ार, क्योंकि कुछ चीज़ें थी जो हमें चौक से भी लेनी थी, जैसे कि घंटा घर के पास स्लीपर वगैरह सैंडल वगैरह अच्छे मिलते हैं ना, इसलिए हम लोग वहाँ जाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। शादी में यही तुमको ले आए कि खरीद ले लाचा सावरिया चप्पल वही से है। चलो गलत आ गए तो मैं क्या करूँ, सीधा आ गए वापस मोड़ना पड़ेगा, वहाँ से टर्न ले लेना पुलिस बूथ के जहाँ लिखा। तो चौक की सबसे फेमस जगह हम आ चुके हैं जिसको हम घंटा घर कहते हैं, पर ये घंटा घर कुछ ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा था इसमें से, तो इसलिए मैंने इसको म्यूट कर दिया, क्योंकि फिर आप लोग कभी कभी हेडफोन वगैरह लगा के सुनते हो तो आप लोग को डिस्टर्ब होगा ना, इसलिए। तो ये है घंटा घर जो कि मैं आपको अच्छे से दिखाना चाह रही हूँ। इसके नीचे बहुत सारी सैंडल और स्लीपर मिल जाएंगी आपको, पर यह है कि मजबूत नहीं रहती हैं, फैंसी चीज़ें दिख जाएंगी। मैं झूठ नहीं बोलती, जो सच होता है वो बता देती हूँ। और मुझे चाहिए थी कुछ मजबूत चीज़ क्योंकि मुझे ट्रेन से सफ़र करना है, तो मैं सोच रही थी कि कुछ अच्छा मजबूत टिकाऊ होना चाहिए, तो बस मैं वैसी चीज़ ढूंढ रही थी और यहाँ पे वैसा कुछ मिल नहीं रहा था। तो बस हम लोग ले चुके हैं सैंडल, और मैं कैसी सैंडल ली मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी, पर मैंने घंटा घर से नहीं लिया है। और अब मैं ले रही हूँ सेवैयाँ और चौक आऊँ और सेवई ना लूँ, ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ पे भुंजी सेवई और सादी सेवई, सूत फेनी और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं बेकरी टाइप वाली। और हम लोग आ चुके थे घर और उसके बाद ये कर रहे थे बैग की पैकिंग, इसलिए मैं आपको सामान नहीं दिखा पाई कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ, पर मैं जब अपने ससुराल पहुँच जाऊँगी तो वहाँ पर आपको सारा सामान दिखाऊँगी कि मैं लेकर क्या क्या आई हूँ। और यहाँ पे पति देव जी बैग पैक कर रहे थे, मैंने सोचा था कि मैं आपको यहीं पे दिखाऊंगी, पर फिर इन्होंने कहा कि बैग पैक करो, बार बार खोलोगी रखोगी, इससे अच्छा वहीं पे चल के सब चीज़ दिखा देना। तो यहाँ पे ये मेरे सारे कपड़े पैक कर रहे हैं और ये मुझसे ज़्यादा अच्छे से बैग पैकिंग कर लेते हैं, तो इसलिए ये वाला काम मैंने इन्हें ही दे दिया, क्योंकि अभी तो ये यहाँ पे फ्री ही हैं। और हमें निकलना भी है दूसरे दिन सुबह, मतलब जिस दिन ये बैग पैक कर रहे हैं इसके दूसरे दिन हमें निकलना था दोपहर में। तो यहाँ पे देखिए मीठी की मस्ती चल रही है और थोड़ा सा मैंने स्पीड कर दिया है ताकि आप बोर ना हो। तो सुबह हो चुकी है गाइज, और अब मैं जो थोड़े बहुत बचे कुचे सामान है, जैसे मेरा मेकअप बॉक्स हो गया, मेरा हेयर पैक फेस पैक, ये सब चीज़ें जो थी जो बची हुई थी वही सब मैं रख रही हूँ। और मीठी के कुछ कपड़े थे, कितना भी मैं सोच सोच के ढूंढ ढूंढ के रखूँ ना, पर कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, और बहुत सारी चीज़ छूट गई हैं मायके में, क्योंकि वॉइस ओवर तो मैं बाद में ही दे रही हूँ ना जब मैं आ चुकी हूँ तब। तो ये मेरा मेकअप बॉक्स है और अब मैं इसको भी रख लूँगी। और अभी इस टाइम पर मेरा जो मुँह है ना बिल्कुल लटका हुआ है, क्योंकि मुझे ना यहाँ से जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और किसी भी लड़की का मन नहीं भरता यार मायके से, पता नहीं ऐसा क्या होता है कि पूछो ही मत, बहुत बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वही समझ सकती जिनकी शादी हो चुकी है और जो अपने मायके से ससुराल जाती हैं, वो लोग बहुत अच्छे से इस टाइम को मेरे समझ सकती हैं, इस टाइम मेरे मन में क्या चल रहा होगा। और मैं ढूंढ ढूंढ के सारे सामान रख रही हूँ, और मीठी जी अपनी मस्ती में लगी हुई हैं, और अभी इनकी पढ़ाई चल रही है, सुबह सुबह उठी है तो मामा की कुछ बुक और कॉपी इनको मिल गई, तो ये उसी में लगी हुई हैं। और अभी इसको नहलाना बाकी है, मैं नहा चुकी हूँ, अभी इसको नहलाऊँगी और उसके बाद हम लोग करेंगे नाश्ता। तो आज मम्मी नाश्ते में बनाई थी पोहा, और उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। तो बस चलो मम्मी के हाथ का एक बार और पोहा खा लेते हैं, फिर पता नहीं कब आना होगा वापस यहाँ। तो Thank you.
इस टाइम पे मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी, पर मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल कर लेती हूँ। मैं जल्दी रोती नहीं हूँ, और जब तक बहुत ज़्यादा दुख नहीं होता तब तक मैं नहीं रोती हूँ। वो आप लोग भी जानते ही हो, इतने दिन से अगर मेरे साथ हो तो इतना तो जान ही गए हो। तो यहाँ पे मम्मी चावल दे रही थी, जो कि गोद में दिया जाता है चावल गुड़, जब लड़की विदा होती है तो इसी तरीके से हमारे यहाँ होता है। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा चावल सब जगह छिटकना होता है। और जो मम्मी ने पॉलीथीन में दिया था वो मम्मी ने गुड़ दिया था, और उसमें कुछ पैसा भी था। गाइज़, मैं उस टाइम पे मुस्कुरा जरूर रही थी, पर अभी मुझे एडिटिंग के टाइम पे, वॉइस ओवर के टाइम पे, मतलब बिल्कुल से रोना आ गया, और बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है गाइज़, आप लोग समझ सकते हो। तो ये होता है लॉन्ग डिस्टेंस वाले मायके और ससुराल में, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि इतनी दूर जाना होता है हमें, और जल्दी जल्दी आना भी नहीं होता है, इसलिए और ज़्यादा भी तकलीफ़ होती है। तो अब हम लोग स्टेशन पहुँच चुके हैं, और बस हम अपने प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं जहाँ हमारी ट्रेन है। और ये देखो, मीठी को मीठी के नाना ने पकड़ा हुआ है, और आगे आगे हस्बैंड जी और मेरे भाई के दोस्त सब लोग हैं साथ में, मेरे भैया मतलब मेरे मौसी का बेटा जो मुझे छोड़ने आया था वो भी है। तो बस सब लोग हमें छोड़ के चले भी गए, क्योंकि हमारी ट्रेन आने वाली है। तो बस अब हम ट्रेन में बैठेंगे। और ये देखो मीठू, और मीठू को भी बहुत बुरा लगता है, पर वो भी कुछ नहीं कहती है, बिल्कुल मेरी जैसी है कि मतलब जहाँ जाती है वहीं पर ढल जाती है उसी रंग में। तो चलो ठीक है, मैं ट्रेन में मिलती हूँ। सो गाइस, अब हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं, और पता नहीं इस वाले ब्लॉग को एडिटिंग के टाइम पे इतना ज़्यादा मैं इमोशनल कैसे हो जा रही हूँ, मुझे मतलब अंदर से मैं कंट्रोल करके बोल रही हूँ पर हो ही नहीं पा रहा है। तो चलो ठीक है, अब हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं, और अब आएगा नैनी का न्यू ब्रिज, मतलब जहाँ से हमें गंगा मैया के दर्शन होंगे। और ये देखिए, जब भी मैं इंटर करती हूँ प्रयागराज में तब भी मुझे गंगा मैया दर्शन देती हैं, और जब मैं यहाँ से जाने लगती हूँ तब भी गंगा मैया मुझे दर्शन देती हैं। तो बस गंगा मैया के दर्शन आप लोग भी कर लो, और उसके बाद हम लोग अपनी हरी भरी वादी मध्य प्रदेश में पहुँच जाएंगे बहुत जल्द। और हाँ, इसके बाद शाम हो गई थी तो मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, बस ये हरी भरी वादी ऐसे ही देखते देखते पता नहीं चला कि हमारा कब ससुराल आ गया। और अब मैं जा रही हूँ ससुराल, और वहीं पे डेली व्लॉग्स अपलोड किया करूँगी। और आप लोग प्लीज़, जैसे मेरे मायके वाले मुझे इतना प्यार देते हैं, ससुराल वाले इतना प्यार देते हैं, आप लोग भी मुझे उतना ही प्यार देना, क्योंकि आप मेरी यूट्यूब वाली फैमिली हो ना, तो मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहना हमेशा, ठीक है। तो चलो अब हम चलते हैं घर, और मिलते हैं आपको सीधा कहाँ, ससुराल में, ठीक है। सो गाइज, हम लोग आ चुके हैं अपने घर, अपने ससुराल, और आप मेरी हालत देख के समझ सकते हो कि अभी नहीं, मैं कल रात को ही आ चुकी थी, और अभी मैंने फिर से ब्लॉग कंटिन्यू किया है, क्योंकि ब्लॉग का एंड मैं नहीं कर पाई थी कल रात में, और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। ट्रेन व्रेन से सफ़र करो ना, सच में बहुत थकान लगती है, और साथ में बच्चे रहते हैं ना तो और भी ज़्यादा, कितनी भी सीट हो उनकी पर वो बैठेंगे तो गोद में ही, है ना। तो वही मीठी का भी वही हाल है। सो गाइज, यहाँ पर मेरे दोनों बैग देखो खुल चुके हैं, और मीठी चली गई अपने दादू के साथ कहीं घूमने। तो मैंने कहा कि जब तक मीठी नहीं है तब तक मैं फटाफट से सारे बैग अपने समेट लूँ, खाली कर लूँ। और इधर ना कमरा भी कुछ ज़्यादा ही फैला हुआ है, क्योंकि पति देव जी का हाल है ना कि जब भी मैं कहीं चली जाती हूँ तो अच्छे से फैलाते हैं, और मेरे को दिखाने के लिए सफाई भी बहुत अच्छे से करते हैं। ये देखो, रुमाल उमाल गीली करके लेके आए हैं, अब ये पता नहीं क्या पूछने वाले हैं। तो चलिए ठीक है, मैं इस वाले ब्लॉग का यहीं पर करती हूँ एंड, और मिलती हूँ आपको एक अच्छे से ब्लॉग के साथ फिर से। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इनका देख रहे हो होम थिएटर चालू है, मैंने थोड़ी देर के लिए बंद करवाया, क्योंकि फिर वही है कि कॉपीराइट आ जाता है और मुझे काम भी करना है, काम करते करते मतलब गाना सुनते सुनते काम करो तो काम जल्दी हो जाता है ना। और अभी मेरी साइकिल बहुत ज़्यादा ख़राब हुई रखी है, क्योंकि मैं कंगी वंगी सुबह से कुछ भी नहीं की हूँ, बस नहाई हूँ, खाना बनाई हूँ, देखो करंट ना लगे, नहाई हूँ, खाना बनाई हूँ, और उसके बाद लग गई हूँ अपने काम पे। तो चलो ठीक है, मिलते हैं आपको और अच्छे अच्छे ब्लॉग के साथ, अब रोज़ डेली आएंगे अच्छे अच्छे ब्लॉग। तो बाय बाय, और बहुत सारा प्यार दीजिए चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किए हैं, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।